तो इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड ड्रीम मैच के बारे में, बिटवीन बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो क्या वो मैच इस साल समर स्लैम में हमें देखने को मिलेगा, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो इसे एंड तक जरूर देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या ब्रॉक लेसनर समर स्लैम से पहले अपना रिटर्न करेंगे और चैलेंज करेंगे बॉबी लैशली को फॉर द WWE चैंपियनशिप? और क्या फाइनली इतने टाइम बाद हमें मैच देखने मिलेगा बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट दिस ईयर समर स्लैम में फॉर WWE चैंपियनशिप? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, WWE बॉबी लैशली के लिए एक बड़ा ओपोनेंट ढूंढ रही है समर स्लैम के लिए। और मुझे नहीं लगता अभी करेंट रोस्टर में रॉ के कोई ऐसा बड़ा ओपोनेंट है बॉबी लैशली के लिए, क्योंकि अभी रेंडी ऑर्टन भी टाइम ऑफ लेने वाले टीवी से, और ड्रू मैकइंटायर के साथ शायद बॉबी लैशली का आखिरी मैच है इस दिस ईयर एक्सट्रीम रूल्स। और WWE अभी बड़ा सुपरस्टार ढूंढ रही है बॉबी लैशली के लिए, तो मुझे नहीं लगता रॉ पे अभी उतना बड़ा कोई सुपरस्टार है जो कि बॉबी लैशली के साथ एक मैच लड़े एट दिस ईयर समर स्लैम। और अगर हम बात करें कि ड्राफ्ट के बाद कोई स्मैकडाउन से सुपरस्टार रॉ पे आए और उसका मैच हो बॉबी लैशली के साथ और एट दिस ईयर समर स्लैम, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है, क्योंकि स्मैकडाउन के अगर हम सुपरस्टार लीड्स देखेंगे तो उसमें उतना बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। उसमें केविन ओवेंस, किंग कॉर्बिन, रे मिस्टीरियो, ओटिस, बस यही कोई सुपरस्टार से। और WWE चाहती है कि लाइव फैंस के सामने बॉबी लैशली को एक बड़ा मैच दिया जाए दिस ईयर एट समर स्लैम, और एक बड़ा मैच होना चाहिए क्योंकि रेसलमेनिया में हमने देखा कितने बड़े बड़े मैचेस हुए। तो WWE इतने टाइम बाद फिर से नहीं चाहेंगे कि फिर से फैंस को भी डिसअपॉइंट करे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द PW इनसाइडर, WWE अभी से ही थंडरडोम से कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, और शायद हमें जल्दी WWE अपना कोई प्लेटफॉर्म बता देगी जहाँ से हमें समर स्लैम लाइव देखने को मिलेगा। जैसे कि WWE अगर हम बात करें तो करेंट ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस सेंटर ढूंढ रही है, और वो जगह है फोनिक्स एरिजोना, और यहाँ पे टेक्सास पे भी WWE ढूंढ रही है ऐसी जगह जहाँ पे WWE अपना समर स्लैम करवा सके इस साल। और अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर या बॉबी लैशली की मैच की, तो यहाँ पर WWE अभी से प्लान कर रही है कि ब्रॉक को रिटर्न किया जाए इस साल है समर स्लैम। और कहीं ना कहीं अगर आप र्यूमर्स की अगर हम बात करेंगे पिछले कई साल से, तो हमें बस र्यूमर्स यही आ रहे थे कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच रेसलमेनिया के लिए र्यूमर नहीं था, वो मैच असल में र्यूमर था समर स्लैम पेपरव्यू के लिए। तो क्या फाइनली हमें मैच देखने मिलेगा बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट दिस ईयर 2021 समर स्लैम में? उसका फैंस तो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है इस ईयर समर स्लैम में मैच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ब्रॉक लेसनर ज़रूर रिटर्न करेंगे समर स्लैम से पहले, क्योंकि WWE की बैक स्टेज भी चाहती है कि ये मैच हमें इस साल देखने को मिले और फैंस को कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिले, क्योंकि समर स्लैम में तो लाइव फैंस आएंगे ही। तो लेट्स सी क्या बॉबी लैशली को एक तगड़ा ओपोनेंट के रूप में ब्रॉक लेसनर मिलते हैं समर स्लैम में, और ब्रॉक लेसनर कब अपने रिटर्न करते हैं WWE में। तो आज तक की वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।